हाय, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लटर एप्लीकेशन में रेजर पे पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट, मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है जहां पर आप लोग मुझसे फ्लटर से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास काउंटर ऐप है, तो मैं एग्जाम्पल कोड को क्लियर करता हूँ। उसके बाद मैं एक स्टेटफुल क्लास बना लूँगा होम स्क्रीन नेम से। पहले मैं ऐप का यूआई बना लेता हूँ, फिर हम ऐप की फंक्शनैलिटी देखेंगे। तो यहाँ हमारे ऐप का यूआई कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऐप की फंक्शनैलिटी देखेंगे। रेजर पे यूज़ करने के लिए पहले हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं ऐप को रीबिल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ ऐप को रीबिल्ड करते टाइम एरर आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में मिनिमम एसडी के वर्जन को 16 से 19 में चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद हमें फाइल को सेव करके फिर ऐप को रीबिल्ड कर लेना है। तो यहाँ ऐप सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। तो अब सबसे पहले हम रेजर पे को इनिशियलाइज कराने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे, इनिशियलाइज रेजर पे नेम से। उससे पहले मैं रेजर पे क्लास का इंस्टेंस बना लूँगा और उसके आगे लेट कीवर्ड लगाऊंगा। लेट कीवर्ड लगाने से कंपाइलर को एश्योरिटी मिल जाती है कि इस वेरिएबल को आगे इनिशियलाइज कराया जाएगा। इसके बाद मैं फंक्शन में इनिशियलाइज करा दूंगा। इसके बाद इनिशियलाइज रेजर पे फंक्शन को इनिट स्टेट फंक्शन के अंदर कॉल कर देंगे। हमें रेजर पे के अंदर 3 इवेंट लिसनर मिलते हैं, इवेंट पेमेंट सक्सेस, इवेंट पेमेंट एरर, इवेंट एक्सटर्नल वॉलेट।
इवेंट पेमेंट सक्सेस तब कॉल होता है जब हम जो पेमेंट करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाए। इवेंट पेमेंट एरर तब कॉल होता है जब हम जो पेमेंट करते हैं वो फेल्ड हो जाए। इवेंट एक्सटर्नल वॉलेट तब कॉल होता है जब हम कोई एक्सटर्नल वॉलेट से पेमेंट करते हैं। अब हम हैंडल पेमेंट सक्सेस में पहले प्रिंट करा देंगे पेमेंट सक्सेसफुल, और उसके बाद हम ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी, सिग्नेचर को प्रिंट करा देंगे जो कि हमें पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद मिलता है। उसके बाद हम हैंडल पेमेंट एरर मेथड में पहले पेमेंट फेल्ड प्रिंट करा देंगे और उसके बाद कोड और मैसेज प्रिंट करा देंगे जो कि पेमेंट फेल्ड होने के बाद मिलेगा। उसके बाद हम हैंडल एक्सटर्नल वॉलेट में पेमेंट फेल्ड प्रिंट करा देंगे। फिर हम एक वॉइड फंक्शन बनाएंगे लॉन्च रेजर पे नेम से, इसके अंदर पहले हम ट्राई कैश ब्लॉक लगाएंगे और ट्राई कैश ब्लॉक के अंदर रेजर पे डॉट ओपन फंक्शन कॉल करेंगे और कैश ब्लॉक में एरर प्रिंट करा देंगे। अब रेजर पे डॉट ओपन फंक्शन एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जो कि एक मैप होता है स्ट्रिंग डायनेमिक टाइप का। इस मैप के अंदर हमें 5 पैरामीटर इनपुट करने होंगे, की, अमाउंट, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्रीफिल। की में हमें एक API की डालनी पड़ेगी जो कि हमें रेजर पे की साइट पर अकाउंट बनाने के बाद मिलेगी। अमाउंट में हमें अमाउंट डालना पड़ेगा जो कि हम पे करना चाहते हैं। प्रीफिल में हमें कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी पड़ेगी। तो अमाउंट के लिए मैं एक इंट वेरिएबल बना लेता हूँ अमाउंट टू पे नेम से। इसमें हम इंट डॉट पार्स मेथड कॉल करेंगे जो कि हेल्प करता है स्ट्रिंग को इंट में पार्स करने में। इसके अंदर हम अमाउंट डॉट टेक्स्ट पास कर देंगे जो कि हमें टेक्स्ट फील्ड से मिलेगा। इसके बाद हम बाकी फील्ड में भी वैल्यू इनपुट कर देंगे जो कि हमें टेक्स्ट फील्ड के कंट्रोलर से मिलेंगी। अब यहाँ पर हमारा ऐप रेडी हो चुका है। अब हमें API की ज़रूरत है, तो मैं रेजर पे की साइट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बना लेना है, उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है, API की पर क्लिक करना है और API की को जनरेट करने के बाद कॉपी कर लेना है। API की को कॉपी करने के बाद फाइल के अंदर पेस्ट करना है। उसके बाद पे नाउ बटन के ऑन प्रेस्ड में लॉन्च रेजर पे फंक्शन को कॉल करना है। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ कि ऐप सही काम कर रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रेजर पे का पोर्टल ओपन हो गया है और इन्फॉर्मेशन भी सही है, लेकिन यह अमाउंट गलत शो हो रहा है। अब ये रेजर पे का ग्लिच है या बग है पता नहीं, तो मैं इसे फिक्स करने के लिए अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ सही अमाउंट शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं, तो मैं चेक कर लेता हूँ टेस्ट कार्ड नंबर डाल के। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं पेमेंट सक्सेसफुल या पेमेंट फेल्ड करने के लिए। पहले हम पेमेंट सक्सेस करके ट्राई करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम पेमेंट फेल्ड करके ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर पेमेंट फेल्ड हो चुकी है। अब एक लास्ट स्टेप में हमें डिस्पोज फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ेगा और उसके अंदर रेजर पे डॉट क्लियर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जिससे कि इसके रिसोर्सेज रिलीज हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।